सर नमस्कार, स्वागत है आपका। बताएं सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपडेट्स के साथ, भारी वॉलेटिलिटी के बीच। तो अनिल जी, पहले तो ये बता दूं, आज 16,000 पे बॉटम बन गया, कैपिचुलेशन हो गई, जिसने बेचना था या जो भी निकलना था निकल गया। अब यू शुड लुक फॉर अ 5-700 पॉइंट रैली, 16,700 तक जाना चाहिए निफ्टी कम से कम। और वो आपको दिख रहा है बैंक्स में, देखिए स्ट्रेंथ कितनी है, चाहे आप किसी भी बैंक का नाम लीजिए। अपडेट दे दूं सर आपको, L&T का था, DLF, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, BEL, चारों न्यू हाई, अभी सुबह के हाई से हैं, लेकिन मार्केट वॉलेटाइल है, आपको अपने स्टॉप लॉसेस बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि वॉलेटिलिटी इज द की। लेकिन मैं यहां दावे से कहता हूं DLF के रिजल्ट्स इतने बढ़िया आएंगे अनिल जी, आपको सबसे बेस्ट क्वार्टर आएगा इन मेनी मेनी ईयर्स, और इस कारण से मैं इसमें बहुत बुलिश हूं। सेम इज द केस विद लार्सन और श्रीराम ट्रांसपोर्ट के, तो रिजल्ट्स ही बहुत बड़े थे। एक और आपको पिक दिया था टाटा केमिकल, वो भी आउट परफॉर्म कर गया। अब आपके लिए दो पिक्स हैं और दोनों बैंक्स हैं, बताएं सर। तो अनिल जी, पहले लीजिए HDFC बैंक, उसके बिना शेयर बाजार, अगर बैंक निफ्टी ने जाना है वापस 38,500, तो बैंक मेरे को लगता है HDFC बैंक यहां से रीरेट होएगा, उसकी बुक, उसकी ग्रोथ, सब कुछ नाउ ऑन द टेबल। तो बहुत ही बढ़िया भाव है, फ्यूचर में 1332 में मिल रहा है, 1300 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 1400-1420 का टारगेट, और ये जल्दी आ सकता है। HDFC बैंक विल बी द लीडर ऑफ द बैंक्स। दूसरा सिटी यूनियन बैंक, बहुत ही उमदा नंबर आए हैं, 22-22.5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 20, 127-28, ये दोनों मेरे टॉपिक्स होंगे। ओके, तो ये है आपके लिए दो बैंक्स पर खरीदारी की राय, HDFC बैंक और सिटी यूनियन बैंक। भसीन साहब की तरफ से यहां पर रखनी है आपको नजर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए।